गुड आफ्टरनून बच्चों, आज अपन क्लास 7 का जीके की फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं, जिसमें अपन पार्ट है अपना इसमें बच्चों फर्स्ट फर्स्ट में अपन सब्जेक्ट जीके पढ़ेंगे। जीके में अपना यूनिट फर्स्ट है एनिमल बर्ड। यूनिट फर्स्ट क्या है? एनिमल बर्ड मतलब कि जानवरों की दुनिया। जानवरों की दुनिया में अपन पहला टॉपिक है अपना द वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर्स। क्रिएचर्स मतलब जंतु। कैसे जंतु? कि आपको देखते हैं अपन कैसे जंतु हैं। जंतुओं की दुनिया में अपना पहला इसमें आपको दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जंतु दुनिया में पाए जाते हैं। कैसे? वी रिकॉग्नाइज मोस्ट ऑफ देम, जिनमें से कुछ बहुत से को अपन जानते हैं। ऑल द क्रिएचर्स हैव सम स्पेशलिटीज, और कुछ में बहुत जो सभी जंतु होते हैं उनमें कुछ ना कुछ उनकी खासियत होती है, कुछ ना कुछ उनके अलग अलग गुण होते हैं। लेट अस सी हाउ मच यू नो अबाउट दीज क्रिएचर्स। देखते हैं कि आप इन और अपन जो नीचे दिए गए हैं इनके बारे में पढ़ते हैं और पता करते हैं, ठीक है ना। पहला इसमें आपको दिया है कि हाउ मेनी लेग्स, पहले देख लेते हैं अपन कि ये आपकी बुक है, यहाँ पर ये डायग्राम जी दिए गए हैं इन्हीं क्रिएचर्स के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इन्हीं क्रिएचर्स के बारे में आपसे पूछा गया है, उन्हीं के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके हिसाब से आपसे उनके बारे में पूछा गया है। तो अपन देखते हैं क्या दिया गया है। हाउ मेनी लेग्स डज अ वुड लूज हैव, जो वुड लूज होता है, वुड लूज मतलब कि वुड लूज मतलब होता है दीमक। क्या होता है? दीमक। दीमक जो कहाँ लगता है? लकड़ियों में लगता है, जो लकड़ियों को खोखली कर देता है, सड़ा देता है। उसके पूछा है हाउ मेनी लेग्स, मतलब कि उसके कितने पैर होते हैं। जो दीमक होता है वो आपको डायग्राम बना हुआ है, दीमक आप सभी ने देखा होगा। तो उसके कितने पैर होते हैं? उसके पैर होते हैं 12। कितने पैर होते हैं? 12 पैर, ठीक है ना। सेकंड की बात करते हैं अपन। सेकंड दिया है आपको हाउ मेनी लेग्स डज अ मिलीपेड। मिलीपेड जो होता है वो कैसा होता है देखते हैं अपन। मिलीपेड, मिलीपेड को अपन जब खेतों में जाते हैं सोयाबीन के टाइम पे, उस टाइम पे देखते हैं इसको ब्रूजर बोलते हैं या फिर गिजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिजाई, जिसको बहुत सारे पैर होते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आपसे पूछा है हाउ मेनी लेग्स डज अ मिलीपेड। मिलीपेड के कितने पैर होते हैं? उसके 30 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 30, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड में आपको दिया हुआ है हाउ मेनी स्टोमक, किसके बारे में पूछा है? स्टोमक के बारे में पूछा है। स्टोमक ज्यादा काउ है, काउ काउ के जो होते हैं वो कितने पेट होते हैं? किसको? काउ। काउ मतलब आप जानते ही हैं गाय। स्टोमक मतलब क्या होता है? पेट, ठीक है ना। तो जो गाय होती है उसके कितने पेट होते हैं? कितने होते हैं? चार पेड़ के पास कितने होते हैं? चार, ठीक है ना। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ आपके यहाँ पे दिया है हाउ मेनी सेल्स, किसके बारे में पूछा है यहाँ पर? सेल्स, सेल्स मतलब कोशिकाएं, ठीक है ना। सेल्स क्या होती है? कोशिकाएं। How many cells does an amoeba? किसने? Amoeba. Amoeba को हिंदी में भी amoeba ही बोलते हैं, ठीक है। Amoeba में कितने कोशिका होती हैं? तो amoeba में एक कोशिका होती है। कितनी होती है? एक कोशिका होती है, ठीक है। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में आपको दिया है How many legs does a lobster, किसका बोला है आपसे? Lobster, lobster क्या होता है? Lobster आपने देखा होगा झींगा जैसी मछली रहती है, ठीक है ना, जो पानी में उछलती रहती है। झींगा मछली जिसको बोलते हैं
उसका आपने पूछा है कि लॉबस्टर में कितने पैर होते हैं, तो लॉबस्टर के कितने पैर होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। लॉबस्टर में कितने पैर होते हैं? 10 पैर होते हैं, ठीक है ना। 6। हाउ मेनी साइड्स डज वन सेल ऑफ अ हनी बी हैव? क्या पूछा है? सेल्स का पूछा है। सेल मतलब वही कोशिकाएं। किस में पूछा है? हनी बी से। हनी बी से मतलब कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसका पूछा है। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, उसमें कितनी कोशिका होती है? उसमें होती है मित्रों कितनी कोशिका होती है? 6 होती है। मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें कितनी कोशिका पाई जाती है? 6। सेकंड की बात करते हैं अपन। हाउ मेनी बोन्स, बोन्स मतलब होती है हड्डियाँ, ठीक है। बोन्स क्या होती हैं? हड्डियाँ होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ जिराफ? 12। ठीक है, किसका पूछा है आपसे? जिराफ का पूछा है। जिराफ जो होता है उसकी नेक, जिराफ नेक मतलब कि जिराफ की गर्दन, जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? जिराफ की गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। कितनी होती है? 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है। एट की बात करते हैं। एट में आपको दिया है हाउ मैनी टूज, टूज होता है बेटा पैर का अंगूठा या उंगलियां, पैर का अंगूठा या उंगलियां, ठीक है। हाउ मैनी टूज डज ईच लेग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच के पैर में, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग के जो पैर में, पैर कितनी उंगलियां होती हैं शुतुरमुर्ग के पैर में? 2। कितनी होती? 2 फिंगर्स इन द लेग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। नाइन्थ बात करते हैं अपन। नाइन्थ वाली का क्या लिखा हुआ है? हाउ मैनी हार्ट, किसका पूछा है? हार्ट का पूछा है। हार्ट का मतलब कि दिल लिख लेते हैं या कलेजा, ठीक है ना, ठीक है। हाउ मैनी हार्ट डज एन ऑक्टोपस, इसका पूछा है? ऑक्टोपस का पूछा है, ठीक है ना। ऑक्टोपस का कितना हार्ट होते हैं? ऑक्टोपस को ऑक्टोपस ही बोलते हैं। ऑक्टोपस को कितने हार्ट होते हैं? 3 हार्ट होते हैं। और मनुष्य में कितने हार्ट होते हैं? 1 होता है, ठीक है ना। 10th यहाँ पे कर लेते हैं अपन। 10th में क्या बोला है आपसे? हाउ मेनी लेग्स डज अ क्रैब हैव? क्या पूछा है? क्रैब, क्रैब मतलब होता है आपका केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा। केकड़े के कितने पैर होते हैं? 8। ठीक है, केकड़े के कितने पैर होते हैं? 8। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं अपन इसका। क्या पूछा है? पहले दिया है हाउ मेनी लेग्स इन फूड लूज, मतलब कि दीमक के कितने पैर होते हैं? 12। मिलीपेड जो गोजर होता है, जिसको अपन गिडाई बोलते हैं, जो सोयाबीन के खेतों में मिलता है, मिलीपेड, उसके कितने पैर होते हैं? 30 होते हैं। काउ जो होती है, काउ मतलब गाय, गाय को कितने स्टमक होते हैं? 4 होते हैं। सेल्स मतलब की कोशिकाएं, किसमें? अमीबा में, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती है? 1 होती है। लूबस्टर में कितने होते हैं? झींगा मछली जिसको अपन लूबस्टर बोलते हैं, उसके कितने पैर होते हैं? 10 होते हैं। और सेल्स कोशिकाएं किसमें? हनी बी है, मतलब हनी बी है मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें कितनी सेल्स होती है? 6 होती है।
अगला बोन्स मतलब की हड्डियां, जिराफ नेक मतलब की जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां होती है, 7। टोस मतलब पैर का अंगूठा या उंगली, इसमें शुतुरमुर्ग के पैर में कितने अंगूठा या उंगली होती है, 2 होती है। हार्ट मतलब की दिल या कलेजा, इसमें ऑक्टोपस में कितने हार्ट होते हैं, 3 होते हैं। और पैर मतलब केकड़े के कितने पैर होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अपन इसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, एनिमल्स एंड क्रिएचर्स, ठीक है ना, जंतु और जानवर दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।